असलकम आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर थर्टी वन द मंडेल फ्लैमिंग मॉडल ट्रेड पॉलिसी अंडर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स एट एनी गिवन वैल्यू ऑफ ई आर टैरिफ और कोटा रिड्यूस इम्पोर्ट्स इंक्रीज एन एक्स एंड शिफ्ट आई एस टू राइट अब क्या होगा कि वो बता रहे हैं कि किसी टैरिफ या कोटा की वजह से जो इम्पोर्ट्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं डिक्रीज़ हो जाती हैं दूसरे मुल्क की जो अशिया हैं उन इम्पोर्ट्स बोलते हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं जिसकी वजह से आई एस कर्व क्या होता है शिफ्ट हो जाता है एंड शिफ्ट होगा राइट साइड पे lessons about trade policy import uh, import restrictions cannot reduce a trade deficit even though uh, even though net benefit is unchanged there is less trade the trade restrictions reduce imports exchange rate Appreciation reduces exports. Less trade means fewer gains from trade. Import restrictions on specific products save jobs in the domestic industries that produce those products but destroy jobs in export producing sectors. Hence, import restrictions fail to increase total employment. Worse, let import restrictions क्टर शिफ्ट विच काज फ्रिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है इसमें हमें बताया है कि अगर हम इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्शन करते हैं तो उसकी वजह से हमें जो ट्रेड गेंद है वो भी हमें कम हासिल होता है बस इसका एक बेनिफिट होता है कि हम अपने अदारों में अपनी इंडस्ट्रीज में जॉब्स को क्या कर रहे होते हैं सेव कर रहे होते हैं लेकिन जो एक्सपोर्ट के जो सेक्टर्स हैं इम्पोर्ट के जो सेक्टर्स हैं उनमें जो जॉब्स होती हैं उन्हें हम डिस्टोर कर रहे होते हैं और इससे जो अनएप्लॉयमेंट होती है उसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं यानी कि इसे हम ईजी लफ्ज़ों में आसान अल्फ़ाज में से समझ सकते हैं कि एक सेक्टर में जॉब्स को सेव किया जाए और दूसरे सेक्टर्स में अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए कि वहाँ की जॉब्स को उधर शिफ्ट कर दिया जाए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स अंडर अ सिस्टम ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स द कंट्री Central bank stands ready to buy or sell the do domestic currency for foreign currency at a predetermined rate. In the context of the Mandel Flaming model, the central bank shifts the LM curve as required to keep at its pre announced rate this system fix. द नॉमिनल एक्सचेंज रेट इन द लॉन्ग रन वेन प्राइस आर फ्लैक्सीबल क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्या होता है प्राइस फ्लैक्सीबल हो जाते हैं द रियल एक्सचेंज रेट कैन मूव इवन इफ़ द नॉमिनल रेट इज़ फिक्सड अगर नॉमिनल रेट फिक्स भी होगा दैन भी जो एक्सचेंज रेट है रियल एक्सचेंज रेट है वो क्या होगा मूव हो जाएगा अब हम इसमें बैलेंस दे, देखेंगे द मीडियम एक्सचेंज रेट इज ग्रेटर दैन द फिक्स एक्सचेंज रेट अगर हम इसे देखें यहाँ पे इन्होंने इनकम एंड आउटपुट को शो किया है यहाँ पे वर्टिकल पे इन्होंने एक्सचेंज रेट को शो किया है यहाँ पे जहाँ एल एम और आई एस कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये क्या हमारा इक्टीरियम एक्सचेंज रेट है लेकिन हमारा इज़ ग्रेटर दैन द फिक्स एक्सचेंज रेट जो हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट है वो इस पॉइंट पर और हमारा कुबेरियम एक्सचेंज रेट उससे क्या है ज़्यादा है उससे ग्रेटर है नेक्स्ट हम इसकी वो देखेंगे नेक्स्ट टाइप देखेंगे द इक्बेरियम एक्सचेंज रेट इज़ लेस देन द फ़िक्स एक्सचेंज रेट अब ये इसके क्या होगा उल्ट होगा यहाँ पे आप देखें कि इक्वेरियम एक्सचेंज रेट कहाँ पर है यहाँ पे है और इसका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट यहाँ है जो इससे क्या है ग्रेटर है नेक्स्ट हम देखेंगे फिस्कल पॉलिसी अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स फिस्कल एक्सपेंशन वुड रेज ई टू कीप ई राइजिंग द सेंट्रल बैंक मस्ट सेल डोमेस्टिक करेंसी विच इंक्रीजेस एम एंड शिफ्ट्स एलएम राइट यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे आई एस क्या है कर्व है आई एस कर्व हमारे यहाँ है और एल एम यहाँ है जहाँ यह इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे क्या है ये इनका बैलेंस पॉइंट है अब क्या हुआ कि जिस तरह करेंसी में क्या हो गया इजाफा हो गया तो आई एस कर्व भी क्या हो गया शिफ्ट हो गया लेकिन जो एक्सचेंज नोमिनल रेट है वो क्या है वो फिक्स है यानी कि डेल्टा ई इक्वल है ज़ीरो के डेल्टा वाई ग्रेटर देन है ज़ीरो आउटपुट तो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज़ हो गई है अंडर फ्लोर रेट्स फिजल पॉलिसी इन एफेक्टिव एट चेंजिंग अंडर फिक्स रेट्स एटिंगल पॉलिसी इज वेरी एफेक्टिव एट चेंजिंग आउटपुट एल एम शिफ्ट आउट एल एम राइट साइड पर शिफ्ट हो गया या फिर इसे हम शिफ्टिंग आउट भी कहते हैं मॉनिटेरी पॉलिसी अंडर फिक्सड एक्सचेंज रेट्स एन इंक्रीज इन एम वुड शिफ्ट एल एम रॉइट एंड रिड्यूस ई टू प्रिवेंट द फॉल इन ई सेंट्रल बैंक मस्ट बाय डोमेस्टिक करेंसी विच रिड्यूस एम एंड शिफ्ट एल एम बैक रेफ्ट फर्स्ट क्या होगा के एल एम क्या हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा लेकिन सेंट्रल बैंक क्या कर देगा अगेन मनी की सप्लाई कम कर देगा जिसकी वजह से एल एम करव अगेन शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड पे रिजल्ट डेल्टा ई इक्वल है जीरो के एंड डेल्टा वाई भी इक्वल है जीरो अंडर फ्लोटिंग रेट Monetary policy is very effective at changing output. Under fixed rates, monetary policy cannot be used to affect output. Trade policy under fixed exchange rates. A restriction on imports puts upward pressure on E to keep from rising. The central bank must sell domestic currency which increases M and shift LM right. जब मनी की डिमांड इंक्रीज होगी तो एल एम करव कहाँ शिफ्ट हो जाएगा राइट right साइड पे शिफ्ट हो जाएगा जिसकी वजह से आई एस भी राइट right साइड पे शिफ्ट हो जाएगा डेल्टा इक्वल e है ज़ीरो के यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट है वो आपको फिक्स नज़र आ रहा है ये देखें क्लाइन पे इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ और डेल्टा वाई क्या है ग्रेटर देन है ज़ीरो से इसका मतलब है कि जो हमारी इनकम है हमारी आउटपुट wow है वो क्या हो गई है इंक्रीज़ हो गई है Under floating rates, import restrictions do not affect Y or net export. Under fixed rates, import restrictions increase Y and NX, but these gains come at the expense of other countries as the policy merely shifts demand from foreign to domestic goods. समरी ऑफ पॉलिसी अफेक्ट्स अभी आपने जितनी भी पॉलिसीज पढ़ी हैं इनकी इन्होंने इसमें क्या दिया आपको समरी दी है इससे भी आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं यहाँ पे इन्होंने फिजिकल एक्सपेंशन को शो किया है मोनिटेरी पॉलिसी को और इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस को ये सेम इनकी तरह हैं तो आप इन्हें देख लीजिए कम इंट्रस्ट रेट डिफरेंशल दे आर टू रीजन्स वाई आर में डिफर फ्राम आर स्टार अभी जो आर है ये सिंपल इंटरेस्ट है बैंक्स का हमारा नेशनल लेवल पे जो आज स्टार है ये इंटरनेशनल लेवल पर हमारा यानी कि इंटरेस्ट है कंट्री रिस्क द रिस्क डेट द कंट्री बोरर्स विल डिफॉल्ट ऑन दियर लोन रिपेमेंट्स बिकॉज ऑफ पोलिटिकल और इकनॉमिक टर्मोइल रेंडर्स रिक्वायर अ हायर इंटरेस्ट रेट टू कंपेंसेट दम फॉर दिस रिस्क कंट्री रिस्क क्या है कि जो कंट्री के लैंडर्स होते हैं वो बोरर्स यानी कि जिन्हें वो उधार देते हैं लोन देते हैं वो उनसे हाई इंटरेस्ट रेट की क्या करते हैं डिमांड करते हैं एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट चेंज इफ़ अ कंट्री एक्सचेंज रेट इज एक्सपेक्टेड टू फार देन इट बोरर्स मस्ट अ हाईर इंटरेस्ट रेट टू कंपेंसेट लैंडर्स फॉर द एक्सपेक्टेड करेंसी डेप्रिसिएशन कि अगर इसमें यह होता है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि कुछ टाइम के बाद इतना इन्फ्लेशन होगा और कीमतें बढ़ जाएंगे अगर किसी वजह से वो फॉल हो जाती है एक्सपेक्टेड उसमें जो रेज़ है तो इससे क्या होता है इससे जो लैंडर होते हैं उन्हें बेनिफिट होता है और जो बोरर होता है उसे नुकसान होता है क्योंकि वो तो उतना तो इंटरेस्ट पे कर देता है ज़्यादा इंटरेस्ट रेट जितना वो डिमांड करते हैं लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेड लो हो जाता है तो उससे फिर लैंडर को बेनिफिट होता है डिफरेंशल्स इन द एम एफ मॉडल आर इक्वल है आर स्टार प्लस डेटम वियर डेटा इज अ रिस्क प्रीमियम सब टाइट द एक्सप्लेनेशन फॉर आर इन टू द आई एस एंड एल एम इक्वेशन यहाँ इन्होंने एल एम इक्वेशन में शो किया है द दफेक्ट्स ऑफ एन इंक्रीज इन डेल्टा आई एस शिफ्ट रेफ्ट बिकॉज के जब रिस्क क्या होगा इंक्रीज़ होगा तो इंटरेस्ट रेट भी क्या होगा इंक्रीज़ होगा और इन्वेस्टमेंट क्या होगी डिक्रीज होगी यानी जब हमें किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी हमें सेक्टर में अगर हमें ज्यादा रिस्क होता है तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट कम करते हैं एल एम शिफ्ट राइट बिकॉज अगर रिस्क इंक्रीज होगा इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज होगा और ये क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगी करेंसी uh, की जो डिमांड है सो वाई मस्ट राइज टू रिस्टोर मनी मार्केट इक्बीरियम यहाँ पे आप देखें कि एल एम करव क्या हुआ शिफ्ट हो गया लेकिन आई एस कर्व क्या हो गया है बैक साइड पे शिफ्ट हो गया लेफ्ट साइड पे द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन डेल्टा द फॉल इन ई इज़ इन टू टी वी एन इंक्रीज इन कंट्री रिस्क और एन एक्सपेक्टिव डिप्रिसिएशन मेक्स होल्डिंग द कंट्री करेंसी लेस अट्रैक्टिव लेस अट्रैक्टिव यानी कि लोग करेंसी को अपने पास होल्ड रखने के लिए उनके लिए क्या हो जाती है कम अट्रैक्टिव होती हैं एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन इज अ शेल्फ फुलफिलिंग प्रोपहेसि द इंक्रीज इन वाई अकर्स बिकॉज द बूस्ट इन नेट एक्सपोर्ट इज़ इवन ग्रेटर देन द फॉल इन इन्वेस्टमेंट